संग मन संग करेगा। या तो भोग के चिंतन में आदमी रहेगा या योग के चिंतन में आदमी रहेगा। अने आ मारे कई कहेवानी वस्तु पण नथी साहेब, आपणा बधाना अनुभव छे ज, मन कोई ने कोई ना संग में रहे छे। अगर अगर मन ने संग छोड़ दिया और निर्विचार अवस्था आ गई तो उसका नाम ही तो समाधि है। वही तो समाधि है जहां एक भी विचार हमारे में प्रकट ना हो, वही तो समाधि है। और मुझे तो कभी कभी तुषार भाई बोलने की इच्छा होती है कि समाधि का अर्थ क्या है, बोले मन का समाधान वही समाधि है। जहां मन हो, मन आकर समाधित तो हो जाए, जहां मन में कोई तरंग नहीं रहता, जहां मन समाधान पाता है, उसी का नाम तो समाधि है। वही तो समाधि, परो ही योगो रसस मनसस समाधि। एकादश स्कंद देखिए, सब सब पीछे आते हैं कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, सब पीछे। जैसे बल मिलता है, कोई सूत्रपात हो जाए व्यासपीठ के द्वारा तो शास्त्र आके पक्ष में खड़ा रह जाता है, पक्ष में आके खड़ा रह जाता है। कभी कभी क्या क्या होता है पता है, व्यासपीठ पर से आप अनुभव करेंगे, मैं नहीं जानता कि आप वो अनुभव कर पाए ना कर पाए, मगर कभी कभी क्या होता है, किसी माँ के उर में जब दूध भरता है ना, तब वो बच्चे ढूंढने निकलती है कि कोई दूध पिला लो कोई दूध पिला लो। कभी कभी व्यासपीठ की ऐसी दशा हो जाती है, जरा उर्मा दूध भराए ना सर, त्यारे उर्मा थी दूध निकले नहीं तो पीड़ा आपे काटो वागे, कोई पी ले कोई पी ले। शास्त्र ऐसा ही है। संग दोष, संग में रहेगा मन संग में ही रहेगा। सत्संग बढ़ी जाए, संगमा सत्य बढ़ी जाए, संगमा कोई शास्त्र बढ़ी जाए, संगमा कोई संत भली जाए, संगमा कोई सूत्र भली जाए, संगमा परमात्मा स्वयं भली जाए, तो ये सत्संग थे जाए। देखिए कैसे, विचार मा सत्य भले तो ये सद विचार बनी जाए, ठीक छे। कर्म मा सत्य भले तो ये सत्कर्म बनी जाए। कर्म में जारे बीजाना कल्याणनी भावना उमेराय एटले सत्कर्म थई गयो। फिर कहीं भी आप कुछ भी करो, आपको पूर्त इष्ट जो भी कर्म करना है करो। हाँ, घणा लोको एम के कथा करावानी जरूर नथी, पाठशाला बांधो तो ई एनी रुचि छे, बीजा माटे छे ने तो ए सत्कर्म छे। ઘણા એમ કે આ પાઠશાળા બાઠશાળા બાંધવાની જરૂર નથી, તમે કથા કરો સત્સંગ કરો તો આ ઇષ્ટ કર્મ છે, તો ભી સબકા કલ્યાણ હૈ, તો ભી યે સત્કર્મ હી હૈ પૂરતા। ભાગવત મેં તો શબ્દ હૈ પૂરતેષ્ઠ દત્ત નિયમ, પૂરત ઓર ઇષ્ટ દોનો સત્કર્મ। કર્મમાં જ્યારે સત્ય ઉમેરાય, બીજાની કલ્યાણની ભાવના ઉમેરાય, એ સત્કર્મ થઈ જાય। विचार में जारे सत्य उमेराए, ये सब विचार थई जाए। ये बहुत 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 आवश्यक है आज के परिपेक्ष में। मन संग करेगा, आपने लागे कि आपणू मन बहु डायू छे, आपणू मन बहु डायू छे, आपने लागे ए क्यां सुधी, ज्यां सुधी एनो 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 विषय सामे न आवे ने त्यां सुधी, विषय सामे आवे अने त्यारे मन ने पकड़ी राखवू बहु अघरू छे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद ना गुरु, जरा ध्यान आपजो, एक बात कहता ठाकुर, एक बात कहता के मन छे ने बिलाड़ी जेवू छे। बिलाड़ी ने तमे बाजोट पर बेसाड़ो, एने सुंदर साड़ी पहेराओ, एना पग में झांझर पहेराओ, एना सेठा में सिंदूर पूरो, एना कान में कंकण पहेराओ, कुंडल पहेराओ, पग में झांझर पहेराओ, बीजा पग में बंगड़ी पहेराओ, अने एक चुंदड़ी ओढ़ाड़ो, केवी डाई डमरी थईने बैठी होय, केवी डाई डमरी थईने बैठी।
क्या सुधि, क्या सुधि, जहां सुधि उंदर सामे थी न निकले त्या सुधी, एक बार उंदर सामे निकले तो ईज बिलाड़ी भूली जाए कि अत्यारे मारी पूजा करी छे, मने साड़ी पहरावी छे, बद्दू छोड़ी अने उंदर ने पकड़वा भागे। एम आपने आपड़ू मन बहु सारू लागे क्या सुधी बोलो विषय सामे न आवे त्या सुधी, जेवो विषय सामे आवे एटले मन गम्मे न्याथी भागे। विषय ने सिद्ध करवा, विषय ने भोगवा। दाखला तरीके અત્યારે 12:05 થઈ છે, ઈશ્વરભાઈ અત્યારે એમ કે રસોડા સમિતિ છે ઈશ્વરભાઈ મારા ભિવંડી, ઈ એમ કે 10 કિલો કાજુ કતરી મંગાવીને મૂકો અહીંયા પ્રસાદમાં, કેટલી, અને એવી એવી જાહેરાત કરે કે કથા પૂરી થાય ત્યારે આ કાજુ કતરીનો બધાને પ્રસાદ આપવાનો છે, અહીંયા કાજુ કતરી મૂકી જાય। મને ખબર છે કોઈ વહેલું ઊભું થઈને લેવા દોડવાનું નથી, બધાને પોતાની ઇજ્જત નડે છે, હા, પણ મન ગયા વગર નહીં રહે। હા, પછી ઈ એમ વિચારે કે હવે આ પૂરું કરે તો સારું, વિષય સામને આયા તો મન ભાગા।